नमस्कार किसान भाइयों स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम फिर हाजिर हैं एक नए अंक के साथ हमारी पूरी कोशिश होती है कि नई नई योजनाओं के बारे में हम अपने किसान भाइयों को बताते रहें जी हां किसान भाइयों सहकारिता विभाग लगातार कार्य कर रहा है कि कृषि क्षेत्रों में नए नवाचार हो, नई नई योजनाएं हो। नवास भी एक ऐसी ही योजना है सहकारिता विभाग की इसी विषय पर हमने बातचीत करने के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है उमाकांत उमराव जी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं कौ, ये कॉपरेटिव में और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका धन्यवाद और सभी कृषकों को और दर्शकों को मेरा नमस्कार सर नवास क्या है और ये कॉपरेटिव जो है ये किस तरह काम करता है नवाज से वस्तुता है नवाचार एवं अनुसंधान से समृद्धि का सूक्ष्म नाम है लेकिन मैं वो संदर्भ स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई और इसका पूरा संदर्भ और उद्देश्य क्या है साठ के दशक में भारत खाद्यान्न की समस्या से जूझ रहा था और सरकार की प्राथमिकता थी कि कैसे हम अपनी खाद्यान्न आवश्यकता को बढ़ाएं और उस समय एक कृषि में मॉडल को अपनाया गया जिसे मैं फूड सिक्योरिटी मॉडल या खाद्यान्न सुरक्षा मॉडल कहता हूँ जिसमें ग्रीन रोल्यूशन के बहुत से अंग थे फॉर्म मैकेनाइजेशन थी मशीनों को प्रयोग करना था संकर बीज प्रयोग करने थे ऐसे बहुत से उसके पहलू थे और उसका जो मुख्य आधार था ये था कि हम कैसे अपनी उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाएं जिससे हम अपनी फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर सकें साठ के दशक में ये स्थिति थी आज हम 2020 में हैं और आज हमारा कंट्री फूड नहीं है खाद्यान्न की कमी से नहीं गुजर रहा है बल्कि खाद्यान्न की अधिकता से गुजर रहा है तो हम सिक्सटी के दशक से जहां खाद्यान्न की समस्या थी वहां से फूड सरप्लस कंट्री में पहुंच गए हैं लेकिन आज भी हमारी जो मॉडल है प्राथमिकताएं हैं रिसर्च है कोशिशें हैं वो सामान्य मेरा ऐसा मानना है कि सामान्य यही है कि हम कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाए मुझे लग रहा है कि अब हमें एक नए मॉडल की आवश्यकता है तो ऐसा कौन सा मॉडल है कि जिसकी आवश्यकता भी महसूस हो रही है और जो पुराना मॉडल था आपने बहुत सही प्रश्न किया है जो, जो पुराना मॉडल था उसमें चूंकि एक ही लक्ष्य था कि हम कैसे अपने उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाएं तो बहुत सी चीजें हमारी प्राथमिकता में नहीं रही नहीं। जैसे कि आज से तीस साल पहले चालीस साल पहले जो हमारे पॉकेट्स हैं जो किसान की पॉकेट्स हैं कोई भी फसल उत्पादन करने में खर्च होता था वो मुश्किल से दो प्रतिशत तीन प्रतिशत पांच प्रतिशत होता था उसका असर ये भी है कि यदि उसके जेब दो प्रतिशत तीन परशत ही खर्च होगा और किसी वजह से यदि वो फसल फेल हो जाती है असफल हो जाती है तो बहुत ज्यादा उसको नुकसान नहीं होता था नहीं। आज ज्यादातर फसलों में जो हमारे पॉकेट से खर्च होता है किसान के पॉकेट से खर्च होता है वो दस प्रतिशत बीस प्रतिशत चालीस प्रतिशत पचास प्रतिशत सत्तर प्रतिशत होता है जी। अब आप कल्पना करें कि यदि हमारी जेब से किसान की जेब से इतना अधिक खर्च होगा तो दो तीन उसके परिणाम होंगे एक कि उत्पादन भले बढ़ रहा है हम भले ही फूड में आत्मनिर्भर हो गए हम बाहर एक्सपोर्ट भी करने लगे लेकिन किसान की आय उसी तुलना में घटती जाएगी क्योंकि जेब से बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है तो संरक्षित करने दूसरा एक इसमें मैं मेरे को दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि इसमें रिस्क बहुत है कि यदि उसके पॉकेट से पचास साठ जा रहा है और किसी वजह से यदि वो फसल फेल हो जाती है तो उसके ब्याज के चक्रव्यूह में फंसने की संभावना बहुत ज्यादा है अच्छा। और फिर इस चक्र ये परश्यत, पचास परश्यत, वो फॉर्मल या इनफॉर्मल तरीके से बैंक से या कहीं और से लेते हैं और एक बार फसल फेल हुई तो इस चक्रव्यूह से निकलने में उसको बहुत समय लगता है तो एक तो उस मॉडल में ये दिक्कत थी दूसरा उस मॉडल में रही है कि जो हमारी प्राकृतिक संपदा है जी। वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है हमारी पानी की समस्या होती जा रही है क्योंकि उसमें पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा थी हमारी मिट्टी खराब होती जा रही है तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है उसको कंपनसेट करने के लिए हम केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर के रूप में अन्य के रूप में जो हमारी प्राकृतिक संपदा है उसमें न केवल मिट्टी है बल्कि हमारे बहुत से ऐसी बायोडावर्सिटी जैव विविधता जो हमको सहायता करती थी तितलियां हैं केंचुए हैं चिड़िया हैं उनमें भी फर्क पड़ा उनमें है उनमें फर्क पड़ा हुआ है तो हमारी अगली जनरेशन के लिए समस्याएं होने वाली हैं तीसरा जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मानता हूँ ये है कि उसने हमारे रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्र में कम किए हैं जहाँ पहले हजार लोग या हजार मानव दिवस सृजित होते थे फसल काटने के लिए या निराई करने के लिए या गुड़ाई करने के लिए अब वहां शायद दो मानव दिवस तीन मानव दिवस ही बचे हैं तो बाकी लोग जो है वो बेरोजगार होते जा रहे हैं आपको कई बार प्रदर्शन दिख, दिख, दिखेगा गाँव में और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लगभग छियासी प्रतिशत कृषक ऐसे हैं गांव में जो या तो सीमांत कृषक हैं या लघु कृषक हैं छोटे कृषक हैं जिनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता सबसे ज्यादा है लेकिन जब उनके खेत में मशीन जाती है चाहे वो ट्रैक्टर हो या हार्वेस्टर हो या पेस्टिसाइड प्रयोग मॉडल ने हमारी इम्प्लॉयमेंट जनरेशन को खत्म कम किया हुआ है जबकि वहां हमारी इंप्लॉयमेंट की आवश्यकता ज्यादा थी हमारी नेचुरल कैपिटल को कम किया हुआ है प्रभावित किया हुआ है चाहे वो पानी हो मिट्टी हो बायोडर्सिटी हो बाकी सब चीजें हैं हमारी इनपुट कॉस्ट को कम किया हुआ है और एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये है कि इसमें टेक्नोलॉजी ने इसमें वो मशीन्स जो आईं उन्होंने हमारे क्रॉप पैटर्न को निर्धारित किया जी जैसे आज की तारीख में यदि मध्य प्रदेश में बात करूं तो जहां तक मेरा आंकड़ा सही है नब्बे प्रतिशत से ज्यादा रवि में जो खेती हो रही है वो केवल एक क्रॉप की हो रही है अच्छा। और वो है गेहूं की जी। तो इसका से ये है कि जो हमारे सामने मशीनरी है टेक्नोलॉजी है जो मॉडल है वो हमारे क्रॉप पैटर्न को डिसाइड कर रही है जबकि होना उल्टा चाहिए था जी। कैसा कि, होना चाहिए? कि जो हमारी क्रॉप पैटर्न है उसके हिसाब से मशीनरी इजाद होनी चाहिए थी टेक्नोलॉजी अच्छा। इजाद होनी चाहिए थी क्योंकि हमारी जो मानव की आवश्यकता है ह्यूमन बींग की आवश्यकता है और ये सिंगल क्रॉप में होने से क्या हमारे नुकसान है वो ये है कि एक जेनेटिकल बेस कम होता जा रहा है मनुष्य को एक उदाहरण दूंगा दो दर्जन तरह के प्रोटीन की होती है। जी. लेकिन जब हमारे तो तो पोषण मिलेगा, मिलेगा। जी, जी. चाहे वो ग्रेन्स के रूप में हो चाहे, चाहे वो ट्यूबर्स के रूप में हो जड़ों के रूप में हो चाहे वो बीन्स के रूप में हो चाहे वो प्रोटीन्स के रूप में हो दालों के रूप में हो तो इस हरित क्रांति के मॉडल ने क्योंकि उसने सीमित टेक्नोलॉजी के ही मशीनरी टेक्नोलॉजी हमको उपलब्ध कराई इसलिए ये सभी इसमें बहुत सी तो, सहकारिता विभाग ने जो नवास की जो योजना निकाली है जो आ, काम करने के लिए पैटर्न बनाया है वो क्या है इसमें ये कैसे सहयोगी हो सकता इसमें, है इसमें जो उद्देश्य है हमारा वो ये है कि हम ये पांच छह उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जी, ऐसी तकनीकी और नवाचार विकसित करें जी, पहला हाँ, कि हमारी इनपुट कॉस्ट जो साठ सत्तर परसेंट पहुंच गई है उसको हम कम लेके आए जिससे हमारी इनकम बढ़े, बढ़े लागत कम हो जी, तो हाँ, उद्देश्य यह है कि हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएं, हमारी प्रोडक्शन वैल्यू बढ़े मूल्य बढ़े जी, जी, जिससे जी, कि उसकी आय बढ़ेगी दूसरा उद्देश्य यह है कि तो उद्देश्य यह है कि हम ऐसी तकनीकी और टेक्नोलॉजी मशीनरी विकसित करें जिससे कि हमारी लागत कम हो हुँ। एक हुँ। दूसरा जो हमारी क्रॉप पैटर्न होनी चाहिए होनी चाहिए उसके आवश्यकता के अनुसार हमारी तकनीकी विकसित हो सके और वो मशीनरी और तकनीकी ऐसी हो जो ये छियासी प्रतिशत सीमांत और लघु कृषक हैं वो अफोर्ड कर सके उनको फायदा मिल सके तो मैं उसको कहता हूँ सेल्फ हेल्प टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी आज से ये है कि आज से 3000 वर्ष पहले जब लोहे का आविष्कार हुआ तो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो मैं बोलता हूँ वो हुआ कि हमने हसिया बनाया था। जी, जी। उसके पहले हाथ से खेती होती थी पत्थर से काटा जाता था और उसके वजह से सीमाएं थी हमारी फूड की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो रही थी बिल्कुल जैसे हमने हसिया बनाया और खुरपी बनाई हम बहुत प्रोडक्शन करने लगे कलेक्शन करने लगे काटने लगे जी। लेकिन इन तीन हजार वर्षो में उसके बाद कोई ऐसा मेजर इनोवेशन हमारे देश में नहीं हुआ जो जिससे कि इतनी ह्यूमन ड्रेजरी ना हो इतना कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता ना हो लेकिन हमारी जो आवश्यकता है उत्पादन की और बाकी की वो पूर्ण कर सके उसका विकल्प के रूप में आया हार्वेस्टर आया ट्रैक्टर आया लेकिन आप सोचिए कि जहां लोगों की लैंड होल्डिंग आधा एकड़ एक एकड़ है उसके लिए वो 40 लाख की मशीन की क्या उपयोगता है जी वो कॉमर्शियली वायबल ही नहीं है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है हमें एक ऐसी मशीन की आवश्यकता है जिससे कि गाँव में जो लेबर है हुँ हुँ। जो जो मानव श्रम है हुँ हुँ। उसको सम्मानजनक श्रम में बदल सके बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बताई कि हमें अपना आ, काम के अकॉर्डिंग हमें मशीन चाहिए। मशीन चाहिए चाहिए और वो, आ, और वो वो अफोर्ड, अफोर्ड भी हो सके तो इसके बारे में नवाज की योजनाओं के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक ब्रेक बस अभी उपस्थित हुए अरे भाई सुना नहीं क्या केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है देश के छोटे किसान एक लाख साठ हजार रूपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा मैं जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया के का भी कोई दबाव नहीं है ब्याज चुकाने के लिए पूरा एक साल मिलता है समय पर भुगतान करने पर केवल चार परसेंट के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे अपना आधार कार्ड लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी चाचा उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं के सी सी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाए अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी स्वतन को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हम्म अच्छा ये बात है हाँ क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बीवी की नामरूप फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का किसान भाइयों और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम और हम बात कर रहे हैं कृषि में नवास की योजनाओं के जी. बारे में सर अपन बात कर रहे थे कि हमें अपनी फसल के अकॉर्डिंग हमारे अपनी उपयोगिता के आधार पे हमें यंत्र चाहिए हरित क्रांति आई दुग्ध क्रांति आई फिर उसके बाद नील क्रांति आई जी अब नवास ने ऐसा क्या सोचा है ऐसी क्या विचारधारा बना रहे हैं कि अब हमें इससे आगे बढ़ना है क्या इसको मैं रिवल्यूशन कहता हूँ जी सयान क्या है सर सयान जो है वो एग्रीकल्चर और ब्लू कलर को मिलके बनती है जिसका आशय है कि साइंस और एग्रीकल्चर को हमें अच्छा, मिलाना है विज्ञान और हमें कृषि को मिला के मिलाना है।, 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 जी लेकिन इसमें एक फर्क है कि जो बाकी रिवोल्यूशन हुई ग्रीन रिवोल्यूशन हुई, हुई उसमें जो रिसर्च हुई वो प्रयोगशालाओं में हुई और प्रयोगशालाओं से निकल के फिर वो खेतों में पहुंची लेकिन वो लिमिटेड लिमिटेड जो है वो रिसर्च थी उसमें सीमित तरह की मशीनरी बनी बड़ी मशीनरी बनी हुँ हु। हम चाह रहे हैं कि हमारे जो हजारों लाखों करोड़ों कृषक हैं या कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको हम एक फॉर्म साइंटिस्ट के रूप में देख रहे हैं जी। हम उनसे चाहते हैं कि वो छोटे छोटे इनोवेशन करें वो छोटी छोटी रिसर्च करें और ऐसी रिसर्च करें जिससे कि ये जो छियासी अट्ठासी प्रतिशत छोटे किसान हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया सके और जो हमारा बहुत कठोर परिश्रम है उसको सम्मानजनक श्रम में चेंज कर सके जिससे कि जो जिस खेतों में जिस जिस लोग हट रहे हैं उनको श्रम करने में झिझक रहे हैं और इसके वजह से मशीनरी जा रही है महंगी मशीनरी जा रही है, जिस जिस है वो ऐसी मशीनरी हो जिससे कि वो श्रम एक सम्मानजनक श्रम में चेंज कर सके मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा कि किसी को गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं होती जी. है हल चलाने में दिक्कत होती है किसी को फावड़ा खो, से खोदने में दिक्कत होती है लेकिन उसको एक्सकवेटर चलाने में दिक्कत नहीं होती है औह. लेकिन एक्सकवेटर महंगा है वो 40 लाख का, का है 25 लाख का है क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई सोलार पावर्ड 25000 का 20000 की मशीन बन जाए जो यही काम कर सके जो सेमी ऑटोमेटिक हो जो हमारे आलू के जो फर रहते हैं उसमें चढ़ा सकें क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि जो हमारी प्रूनिंग करती है जो पौधों में फलों के पौधों में जो हम महंगी मशीन से करते हैं जो इसराइल से आती है उसका कोई पच्चीस तीस हजार का विकल्प हो सकता है जो एक एकड़ का किसान अफोर्ड कर ले और इससे उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है सुनिश्चित हो सकेगी जो ह्यूमन ट्रेजरी है जो जो कठोर श्रम है, वो एक सम्मानजनक जनक्रम में चेंज हो मतलब कह है। सकते हैं कि जो नवास है वो ये चाहता है कि सम्मानजनक उन्हें उनका पारिश्रमिक भी मिले yes. और साथ में एक नया इनोवेशन हो खुले प्रयोगशाला उन्हें मिले हाँ। कि वो अपनी प्रयोग कर सके हाँ। तो एक किसान और कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग नवास से कैसे जुड़ सकते हैं मैं चाह रहा हूं कि जितने भी लोग हैं लाखों करोड़ों चाहे प्रदेश के हों या बाहर के हों वो किसी भी चीज में जो कृषि से संबंधित है चाहे वो प्रैक्टिस के संबंध में हो या नया कोई मशीनरी जो ऑपरेशन से रिलेटेड हो वो उसका इनोवेशन करें टेक्नोलॉजी विकसित करें हमने नवाज एक इको एक सिस्टम है पार्शदी तंत्र है जिसमें चार पांच काम हम लोग करने वाले हैं पहला कि यदि किसी ने भी कोई इनोवेशन किया है उसको हम चिन्हित करेंगे चिन्हित करके हम उसको एक इनक्यूबेटर्स के साथ जोड़ेंगे एक प्रयोगशाला के साथ जोड़ेंगे, जहां 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 उसका उसका वैलिडेशन होगा, जहां उसका मानकी होगा, मानकीकरण उसके बाकी साइंटिफिक एस्पेक्ट पे तरीके परीक्षण किया जाएगा फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा और ये पाया जाएगा कि ये मशीनरी वाकई या तो कॉस्ट कम कर रही है या किसी महंगी मशीनरी मशीन का विकल्प का है विकल्प है, दिकल्प है। या ऐसा कार्य जो नहीं हो रहा था इसे किया जा सकता किया है जा सकता। तो फिर हम उसको पेटेंटिंग कराने का भी काम हम ही करेंगे जी जी। पेटेंटिंग कराने के बाद किसान को लगता है कि इसका यूज होना चाहिए इसको फैलना चाहिए जी। तो उसको प्रोडक्शन के लिए हमने एक वेंचर कैपिटल बनाया है जी। जो लगभग सौ करोड़ का वेंचर कैपिटल है जी। तो या तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि ये जो इनोवेशन करने वाले लोग हैं रिसर्च करने वाले लोग हैं ये बहुत छोटे लोग होंगे जिसके पास एक एकड़ होगा आधे एकड़ होगा हो सकता है मजदूर भी हो हो सकता है कोई स्टूडेंट हो हो सकता है कोई उद्योगपति हो हुँ, हुँ. तो इनके पास में वो कैपिटल नहीं होगी हो ऐसा मैं मान रहा हूँ तो या तो हम इनको प्रोवाइड करेंगे या हम किसी ऐसे इंडस्ट्रीज के साथ में इनका कोलैबोरेशन करेंगे जिससे कि उनकी इस इनोवेशन को

मुकाम पे है बहुत सी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का हल हम सब लोग मिलकर निकाल सकते हैं पूरे मानव इतिहास में किसी भी समस्या का हल एक नई खोज और एक नया अविस्कार और एक नया नया नवाचार रहा है। आइए हम सब लोग मिल ऐसे नवाचार लेके आए जिससे हमारी खेती लाभ का धंधा बन सके और इसके लिए केवल कृषकों को या कोई भी हो केवल कृषक ही नहीं कोई भी हो उनको केवल एक नया नवाचार करना है हमारा एक पोर्टल बना हुआ है हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें उनको जाना है अपने नवाचार को अपलोड करना है इसके बाद की सारी प्रक्रिया चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो इनक्यूबेशन हो प्रयोगशाला में, में उसको टेस्टिंग हो हुँ, हुँ, उसका पेटेंटिंग हो उसका बिजनेस मॉडल डेवलप करना हो उसके लिए फैक्ट्री स्टाबलिश करना हो वो सारी जिम्मेदारियां हमारा विभाग करेगा बहुत बढ़िया तो ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमारे यहाँ जो नवाचार हो रहे हैं और नवास है वो उन आपके आविष्कारों को एक नया मंच देंगे और नए प्रकार से आपको प्रमोट भी करेंगे कि आप सब तक ये कार्यक्रम बता सकें अपनी चीज़ों को बता सकें और सबसे बड़ी बात जिस तरह से हमने पूरी चर्चा की है तो इससे यही कंक्लूज़न निकलता है कि एक नए आविष्कार की आवश्यकता है दिनों दिन बढ़ रहा है और इसमें नवास बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर हमारे किसान भाइयों के साथ खड़ा है आप हमारे स्टूडियो में आए आपने इतनी अच्छी जानकारी सहकारिता विभाग की दी आपने नवाज के बारे में दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी लोगों को नमस्कार जी और किसान भाइयों अब आप देखिए खबरें खेती की और हमें दीजिए अनुमति फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार 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 किसान भाइयों खबरें खेती में आपका स्वागत है आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर किसानों को नए विकल्प जरूरी 15 मार्च से होगा दलहन उपार्जन कृषि उपकरणों पर एक फीसदी लगेगा टैक्स गहरी जुताई से फसल अवशेषों को दबाएं और आम को मिली से बचाएं किसान और अब खबरें विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को फसल बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्ध कराए जाने पर जोर देते हुए कहा है कि किसानों को बेहतर मूल्य मिले इसके लिए कृषि उपज के मूल्य वर्धन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में क्रांति लाने की जरूरत है प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर वेबिनार को संबोधित करते हुए विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र में शोध एवं विकास कार्यों सहित दूसरे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया श्री मोदी ने कहा कि देश के किसानों के लिए उनकी कृषि उपज बेचने के लिए नए रास्ते नए विकल्प का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि आज यह समय की जरूरत है कि देश के किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध हों किसी भी तरह के प्रतिबंधों का इस क्षेत्र पर बुरा असर पड़ सकता है प्रदेश में चना मसूर एवं सरसों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन 15 मार्च से शुरू किया जा रहा है संबंध में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने भारत सरकार से चना मसूर एवं सरसों का उपार्जन पंद्रह मार्च से करने की अनुमति मिलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया है कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश के छियासी प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषक जिनके पास पाँच एकड़ से कम कृषि भूमि है इन किसानों को चना मसूर और सरसों को अब समर्थन मूल्य से अधिक के दाम पर फसल को बेचने का अवसर प्राप्त होगा अब तक किसान गेहूं उपार्जन के पश्चात दलहन फसलों के उपार्जन का इंतजार करते थे इस वर्ष प्रदेश में अठावन लाख मीट्रिक चना 5.48 लाख मीट्रिक टन मसूर और 15.60 लाख मीट्रिक टन सरसों कुल मिलाकर लगभग 80 लाख मीट्रिक टन के उत्पादन का अनुमान है कृषि उपकरणों की खरीद पर अब सिर्फ एक प्रतिशत टैक्स लगेगा यह अभी दस प्रतिशत तक लगता था इससे किसानों को अधिकतम ढाई लाख रुपए तक का फायदा होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया साथ ही कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण मिलेगा इसके लिए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है किसानों को एक और राहत देते हुए यह फैसला लिया गया है कि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर पर लगने वाले मोटर वाहन टैक्स एक प्रतिशत लगने की अवधि दो साल के लिए बढ़ाई जा रही है खरीफ फसलों के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 28 मार्च और रवि सीजन के लिए 15 जून 2021 रहेगी रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों की गहरी जुताई कराकर फसल अवशेषों को खेत में ही दबाना लाभदायक पाया गया है जैसे ही हम गर्मी के मौसम में मिट्टी पलटने वाले हल से खेत में गहरी जुताई करते हैं तो फसल अवशेष मृदा में गहराई में दब जाते हैं जो बाद में विघटित होकर फसल उपयोग में बदल जाते हैं इससे जमीन में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़कर मृदा की उर्वरा शक्ति पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है गहरी जुताई वाले यंत्रों से गहरी जुताई कराकर पिछली फसल के अवशेषों का उचित प्रबंध किया जा सकता है। खेतों की गहरी जुताई, एमपी प्लाउ एवं मिट्टी पलट पंखेदार से की जानी चाहिए आम की फसल को मिलीबग या चैंपा से अत्यधिक नुकसान होता है यह कीट प्रारंभिक अवस्था में लाल तथा बाद में भूरा होकर धीरे धीरे सफेद रंग के आवरण से ढक जाता है यह रुई के समान दिखता है इस

आम के तना छेदक प्रौढ़ कीटों को आकर्षित कर नष्ट करें फलों की मक्खी से प्रभावित फलों को इकट्ठा कर जला देना चाहिए उक्त कीटों का आक्रमण होने पर पौधे पर प्रोफेनोफास 40 ईसी या साइपर मैथ्रिन चार को दो मिलीलीटर प्रति लीटर मात्रा पानी में घोल बनाकर रस चूसक कीटों हेतु छिड़काव दो बार पंद्रह दिन के अंतराल से करना चाहिए तो किसान भाइयों कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा नमस्कार Thank you.